योगा की प्रैक्टिस करते रहते हैं दिन में, जब भी आप योगा करें तो ध्यान रखें कि खाना खाने से एक घंटा पहले और खाना खाने के दो घंटे तक आप किसी भी प्रकार का कोई भी योगासन ना करें। सबसे अच्छा तरीका है तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने का। चलिए आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं भी पहले ऐसे ही था, शायद आप भी ऐसे ही होंगे। हम कोई भी काम शुरू करते हैं, हम जिम जाना शुरू करते हैं, हम रनिंग करना शुरू करते हैं, हम योगा करना शुरू करते हैं, हम किसी चीज़ को, हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं, हम कोई स्पोर्ट्स खेलना शुरू करते हैं, तो होता क्या है कि हम बहुत लंबे समय तक उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। और इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। इन सारी चीज़ों को महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग सूत्र में एज ए 9 ऑब्स्टिकल्स, 9 बाधाएँ, उसके बारे में बताया है। तो ये जो 9 बाधाएँ हैं ये सभी पे लागू होता है। महर्षि पतंजलि जी ने तो इसे योगा के थ्रू से बताया, पर अगर हम दूसरे भाषा में बात करें तो योगा इज़ अ वे ऑफ लाइफ, एक हमारे जीवन जीने का तरीका है। तो हमारे जीवन जीने का जो सही तरीका है, दीज आर दी 9 ऑब्स्टिकल्स विच वी ऑल फील, हम सभी लोगों को लगता है कि ये जो 9 ऑब्स्टिकल्स हैं, ये जो 9 बाधाएँ, ये जो 9 बाधाएँ हैं, जो 9 ऑब्स्टिकल्स हैं, ये हम सबके जीवन में हैं। और जब हम इनसे ऊपर उठ जाते हैं, इन ऑब्स्टिकल से, इन बाधाओं से ऊपर उठ जाते हैं, तब हम कुछ अच्छा अचीव कर पाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये 9 ऑब्स्टिकल्स हैं क्या, जो पतंजलि जी ने अपने योग सूत्र में लिखा है, वो है व्याधि। तो व्याधि क्या है? व्याधि इज एन इलनेस, एक बीमारी। तो अगर हम बीमार हैं, अगर हम फिजिकली बीमार हैं, अगर हमें बुखार है, हमारा हाथ टूटा हुआ है, हमारा पैर टूटा हुआ है, फिजिकल फॉर्म में पूरी तरीके से फिट नहीं है, वो कहलाती है व्याधि। तो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल तो ये है कि अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो आप इस तरीके का कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारी बाधा है वो है सत्यायना। सत्यायना क्या है? हमारी मेंटल इलनेस। एक तो हो गई हमारी फिजिकल इलनेस व्याधि, दूसरी है सत्यायना जो कि हमारी है मेंटल इलनेस। अगर हम मानसिक रूप से बीमार हैं, हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती, हमें कोई चीज़ हम समझ ही नहीं सकते, कोई चीज़ हमें कोई बता रहा है वो हमारी समझ से बाहर है, हम किसी को कुछ बता रहे हैं वो उसके समझ से बाहर है, तो ये एक तरीके का मेंटल इलनेस है। हम अपने दिमाग से परेशान हैं, हम किसी चीज़ को समझना नहीं चाहते, हम किसी चीज़ को करना नहीं चाहते, भले वो हमारी ज़रूरत हो पर हम मानसिक रूप से नहीं करेंगे, एक ज़िद होती है हमें नहीं करना है। तो ये जो एक प्रॉब्लम है, ये भी एक ऑब्स्टिकल है, ये भी एक परेशानी है। तीसरा हमारा ऑब्स्टिकल है समस्या, समस्या और डाउट। हमें डाउट होता है, अपने ऊपर डाउट होता है, क्या मैं ये कर पाऊँगा, क्या ये मुझसे हो पाएगा, या क्या मुझे ये करना चाहिए, ये एक तरीके का डाउट हो गया। दूसरा डाउट हो गया जो हमें सिखा रहा है, या जो हमें बता रहा है, या जो हमें पढ़ा रहा है, क्या ये हमें पढ़ा पाएगा, क्या इसके अंदर वो काबिलियत है कि ये मुझे पढ़ा पाए, या क्या ये ठीक टीचर है, क्या ये ठीक इंस्ट्रक्टर है, इज ही सर्टिफाइड, हमें उसके ऊपर डाउट है, हमें उसकी काबिलियत पर डाउट है। तो ये एक तीसरे तरीके की जो ऑब्स्टिकल है, जो बाधा है, वो है समस्या डाउट की, कि हमें डाउट होता है हर चीज़ पे डाउट। और इस डाउट की सबसे अच्छी बात क्या है कि हमेशा ये जो डाउट है वो हमेशा अच्छी चीज़ों पे होता है। चौथा हमारा ऑब्स्टिकल है प्रमाद। प्रमाद यानी नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस। हम बहुत केयरलेस रहते हैं, हमें पता है कि ये चीज़ गलत है पर फिर भी हम कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि थोड़ी सी हमें खुशी मिल जाती है या क्षण भर का हमें उसमें सुख मिल जाता है, फिर भी हम गलत चीज़ को जानते बूझते उसको कर लेते हैं कि इससे क्या होगा, इतना सा करने से क्या हो जाएगा। हमें पता है कि अगर हम थोड़ी सी भी शराब पी लेते हैं या थोड़ी सी भी हम इस तरीके का कोई नशा करेंगे तो हमें कितना बड़ा इफेक्ट डालता है, पर फिर भी ये जानते हुए, ये समझते हुए भी हम थोड़ी सी लगा ही लेते हैं, और उसका इफेक्ट धीरे 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 बहुत बड़ा हो जाता है, और एक समय आता है कि हम उस इफेक्ट से बाहर नहीं आ पाते। हमारा पांचवा ऑब्स्टिकल, पांचवी बाधा है आलस्य। आलस सब लोग समझते हैं, लेजीनेस। हर इंसान परेशान है लेजीनेस से। हमें कुछ करना है, हमें सुबह उठकर योगा करना है, हमें सुबह उठकर खेलने जाना है, हमें सुबह उठकर स्विमिंग जाना है, पर हम एक दिन चले गए, दो दिन चले गए, संडे को चले गए, सैटरडे को चले गए, पर रोज चलो एक महीना कर लिया, पर 365 डेज, अरे यार कितना सुबह सोने का मन करता है, अब
अभी उठने को मत कहो, सुबह सुबह सोने का सबसे अच्छा समय है। तो ये जो आलस है ये आलस हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। पांचवी जो हमारी बाधा है वो है आलस। आलस यानी लेजीनेस। हमारे मन में लेजीनेस है, हमारे शरीर में लेजीनेस है। हमें उठकर कुछ करने का मन नहीं करता, हम पड़े रहना चाहते हैं, हम सुबह उठना नहीं चाहते हैं। भले अगर हमारी आँख खुल भी जाए 6 बजे 7 बजे 7:30 बजे, पर हम बेड को नहीं छोड़ना चाहते, हम अपने बिस्तर को छोड़कर नहीं उठना चाहते। मन करता है हम पड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं, लेटे लेटे हम मोबाइल देखते रहते हैं, पर उठकर हम कुछ ऐसा नहीं करना चाहते कि जिसमें हम 1 किलोमीटर की वॉक करके आए या थोड़ा सा जॉगिंग करके आए, ये हम नहीं करना चाहते। ये सब आता है हमारे आलस के अंदर कि हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता, सिर्फ जहाँ पर भी बैठे हैं, जहाँ पर भी लेटे हैं, जहाँ पर भी पड़े हुए हैं, बस पड़े ही रहने देना चाहते हैं अपने आप को। ये आता है आलस के अंदर। छठी जो बाधा है वो है अविरति। अविरति यानी ऑब्सेशन, सेंस ऑफ क्रेविंग। ठीक है, हमें भूख लगती है, सब लोग हर इंसान अपने घर पर एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि आज खाना क्या खाएंगे, आज लंच क्या बनेगा। एक बार हम डिस्कस करते हैं और फिर वो खाना बन जाता है, हम उस खाने को खा लेते हैं, अपना पेट भर लेते हैं। पर अगर हम अपना पेट भरने के बाद भी खाना करते रहें, डिनर में क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, अभी क्या खाने को है, कुछ और खाने को है क्या, इसी प्रकार से अविरति है। इसी प्रकार से हमारा जो सेंस ऑफ क्रेविंग है, जो सेंस ऑफ ऑब्सेशन है किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे वो खाने को हो, किसी चीज़, किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु, किसी इक्विपमेंट को लेके हो, चाहे वो कैमरा हो, लैपटॉप हो, फ़ोन हो, आपके पास फ़ोन होता है, अच्छा खासा फ़ोन चल रहा होता है हमारा, लेकिन अभी हमारा फ़ोन अच्छा चल रहा है इससे मतलब नहीं है, पर मार्केट में एक नया फ़ोन आ चुका है जिसमें मार्केटिंग के पर्पज से शायद कैमरा अच्छा है या मेमोरी अच्छी है या एक दो फीचर उसमें शायद बेटर हैं या नए हैं, तो हमें हमारा दिमाग उस पर लग गया, अब हमें अपना फ़ोन ख़राब लगने लग गया। तो इस तरीके की जो हमारा सेंस ऑफ क्रेविंग है, जो हमारा ऑब्सेशन है चीज़ों को लेकर के, ये हमारी चीज़ों को हमें अपने लक्ष्य से, अपने गोल से भटकाती हैं, क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो हमारे क्रेविंग पर ही रहेगा, हमारे लक्ष्य पर नहीं जाएगा। हमारा सातवां जो ऑब्स्टिकल है, हमारा सातवीं जो बाधा है वो है भ्रांति दर्शन। अब भ्रांति दर्शन क्या होता है? इल्यूजन। हमें भ्रांति हो जाती है कि हम बहुत सुप्रीम हो गए हैं, हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम कुछ भी करने बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एहसास हुआ कि दरवाजे के बाहर कोई है, आप गए, दरवाज़ा खोला, आपने सच में कोई बाहर निकल गया। दूसरी बार फिर एक दिन ऐसा ही हुआ, एक बार और हुआ, तो ये जब 2-3-4 घटनाएं ऐसी हो जाती हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ सुप्रीम हो गए हैं, हमें सब कुछ ज्ञात होने लगा है, हम सब कुछ पाने लग गए हैं। तो एक भ्रांति पैदा हो जाती है कि हम जो हैं वास्तविक रूप में वो छोड़ करके हम कुछ और अपने आप को समझने लगते हैं। तो एक ये भ्रांति जो है हमारे मन में जब बैठ जाती है कि हम ठीक हैं, हम जैसे हैं हम सबसे अच्छे हैं, हम बाकियों से अच्छे हैं, हम फलाने से अच्छे हैं, हमें खांसी नहीं हुई, हमें कोरोना नहीं हुआ, हमें बुखार नहीं आया, तो इस तरीके की जो एक भ्रांति हमारे अंदर पैदा होने लगती है और ये धीरे धीरे हमें अपने गोल से दूर कर देती है। हमारा जो आठवां ऑब्स्टिकल है, जो 9th ऑब्स्टिकल है, वो है अलब्ध भूमिकत्व। इसका मतलब होता है कि जब हम बहुत मेहनत करे जा रहे हैं, बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, 8 साल हो गया, 10 साल हो गया हमें प्रैक्टिस करते हुए, पर हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं, रोज़ लिख लिख के पढ़ाई करते हैं, पर हमारा जो टारगेट है, हमारा जो गोल है, हमारे जो मार्क्स हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं। तब इंसान का जो हृदय है, इंसान की जो विल पावर है वो टूटने लगती है, वो ख़त्म होने लगती है। फिर इंसान क्या करता है कि अपने आप को उस प्रैक्टिस से विड्रॉ कर ले। यहाँ पर हम अपने लक्ष्य के, अपने गोल के बहुत नज़दीक होते हैं और अपने आप को उस गोल से दूर ले जाते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी अलग भूमिकत्व तो नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने गोल के नज़दीक हैं, आपने 8-10 साल लगा दिए एक प्रैक्टिस में, एक चीज़ में करने में, और अगर आपको डिजायर्ड गोल नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे वो प्रैक्टिस कुछ ठीक नहीं थी, उस प्रैक्टिस में कहीं ना कुछ करेक्शन था। तो अपने आप को हमें शुरुआत से ही लेकर के और जब तक अपने गोल हमें मिल ना जाए, तब तक हमें जो ये 7 बाधाएँ अभी तक बताई इनके नज़दीक नहीं आना है। अगर ये 7 बाधाएँ हमारे पास आ गई
तो हमारी जो आठवीं बाधा है ये अपने आप उत्पन्न हो जाती है कि हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट है, डिजायर्ड गोल है, वो नहीं मिलता है। हमारा जो आखिरी और जो नाइन्थ ऑब्स्टिकल है, जो नाइन्थ बाधा है, नवी बाधा जो हमारी है, वह है अनवस्थित्व। इसमें हमारी जो भी हमने अभी तक पाया है उसको हम खो देते हैं। वो हम खो देते हैं, इसका मतलब इनएबिलिटी, जो भी हमने अचीव किया है उसको मेंटेन ना कर पाना एक इनएबिलिटी होती है। हमने बहुत मेहनत करी, हमने 10 साल में एक हम बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, हम एक बहुत बड़े फिल्म स्टार बन गए, हम बहुत फेमस हो गए, पर हम जब फेमस हुए तब हम उस अपने स्टारडम को, अपने उस बड़े रूप को, अपने उस फेमस पर्सनालिटी को हम संभाल नहीं पाए और हम वापस नीचे जीरो पर आ गए। इसको हम कहते हैं अनावस्थित्व। तो ये जो 9 ऑब्स्टिकल्स हैं योगा में, इसको हम यूनिवर्सल रूप से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम जॉब करते हैं, अगर हम पढ़ाई करते हैं, अगर हम खेल कूद करते हैं, अगर हम और कोई भी काम करते हैं, एक्स वाई जेड दुनिया में जितने भी काम हैं, वो सब कामों में ये सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं, ये सारी जो ऑब्स्टिकल्स मैंने आपको बताई, ये सब अप्लाई करती हैं। अगर हम फिजिकली या मेंटली फिट नहीं हैं, अगर हमारे अंदर लेजीनेस है, अगर हमारे अंदर कोई डाउट है, अगर हमारे अंदर केयरलेसनेस है, अगर हमारे अंदर ईगो है, अगर हमारे अंदर इनएबिलिटीज हैं, तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उनको हम पूरा नहीं कर सकते और लाइफ में अपने गोल तक कभी नहीं पहुंच सकते। अगर हमारे अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर ये जो 9 ऑब्स्टिकल्स मैंने आपको बताई, अगर ये हैं, तो इन 9 ऑब्स्टिकल्स को हमें अपने जीवन से दूर करना होगा अगर अपने गोल तक पहुंचना है, अगर अपने सेट टारगेट तक पहुंचना है। तो अपने इन सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं, ये सारी जो बाधाएं हैं, इनको अपने जीवन से दूर करना होगा और तभी हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।